व्यवस्था विवरण अध्याय 30, व्यवस्था विवरण अध्याय 30। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में से रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। तब तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तीतर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखाधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट बरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण हानि और लाभ दिखाया है क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं विधियों और नियमों को मानना जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा भटका मन और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करे तो मैं तुझे आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात माने और उससे लिपटे रहो क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है और ऐसा ही करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम इसहाक और याकूब
तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू बसा रहेगा।